आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हकीकी हीरो के बारे में बताएंगे जिसका नाम इस दुनिया के इख्तिताम तक हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। आज हम आपको सैयद अहमद बरेलवी शहीद के बारे में बताएंगे। सैयद अहमद शहीद 29 नवंबर 1786 को डिस्ट्रिक्ट राय बरेली इंडिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीमात दिल्ली में शाह अब्दुल अजीज की जेर निगरानी हासिल की। 25 साल की उम्र में घुड़सवार की हैसियत से एक फौजी दस्ते में शमूलियत इख्तियार की जिसका लीडर नवाब आमिर खान था। 6 साल वहां अपनी खिदमत सरंजाम देने के बाद बिलाखिर उस तंजीम को छोड़ दिया क्योंकि आमिर खान ने बरतानवी सरकार से एक छोटी रियासत की हुक्मरानी के बदले समझौता कर दिया। सैयद अहमद का कहना था कि अगर मैं इस बड़े खतरे के सामने हथियार डाल दूं जिसका सामना इंडिया के तमाम मुसलमानों को है तो ये एक बड़ी बर्बादी का सबब होगा, इसलिए आमिर खान को छोड़ने का फैसला किया और दिल्ली वापस आते ही अपने उस्ताद शाह अब्दुल अजीज से मुलाकात की। शाह अब्दुल अजीज सैयद अहमद की बातों और समझदारी से बहुत मुतासिर हुए और उनको अल्लाह की राह में मुसलमानों का हाथ पकड़ने का मशवरा दिया। ओलिवियर राय का कहना है कि सैयद अहमद बरेलवी वो पहले शख्स थे जिन्होंने वक्त की मुनासबत को समझते हुए एक ऐसी तहरीक का आगाज किया जो एक वक्त में मजहबी, फौजी और सियासी खसूसियात की हामिल थी और इस तंजीम में आम लोगों को जिहाद के लिए शामिल किया गया। सैयद अहमद का पहला टारगेट रंजीत सिंह की बढ़ती हुई रियासत को रोकना था जो कि अफगानिस्तान तक फैल चुकी थी। सैयद अहमद का मंसूबा रंजीत सिंह को पिशावर में हराना और वहां एक बड़ा कैंप कायम करना था ताकि वहां से आसानी से बरतानवी हुकूमत के खिलाफ लड़ा जा सके। इस शुरुआत से पहले सैयद अहमद शहीद 1821 में हज अदा करने के लिए अपने बहुत से साथियों के हमरा मक्का को रवाना हुए। हज अदा करने के बाद 2 साल मक्का में ही गुजारे और पिशावर कंपेन के लिए बहुत सी सपोर्ट और मवाद हासिल किया और इसी दौरानिया में एक बड़े जिहादी नेटवर्क को तैयार किया और 1823 में इंडिया वापस आ गए। वापस आते ही रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद का आगाज किया। सैयद अहमद शहीद 1826 को नौशहरा पहुंचे और वहां पर हेडक्वार्टर कायम किया। इसके बाद सिख हुक्मरान रंजीत सिंह को पैगाम के जरिए इस्लाम की दावत दी और दावत कबूल ना करने पर मुसलमानों से जंग के लिए तैयार रहने का कहा। 21 दिसंबर 1826 को अकोरा के मुकाम पर सैयद अहमद ने सिख फौज को चैलेंज किया। जनरल बुद्ध सिंह एक बड़ी और ताकतवर फौज के साथ मैदान में उतरा और एक खौफनाक लड़ाई के बाद बुद्ध सिंह को अपनी जान बचाकर वापस लौटना पड़ा और मुजाहिदीन को एक बड़ी फतह हासिल हुई। इसके कुछ ही अरसा बाद दूसरी जंग हजारों के मुकाम पर लड़ी गई जिसमें भी मुजाहिदीन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इन 2 बड़ी फतहों के बाद इंडिया में जिहाद की मूवमेंट को काफी शोहरत हासिल हुई और बहुत से पठान कबाइल के सरदारों ने भी सैयद अहमद का साथ देने का फैसला किया और सैयद अहमद के हाथों बैत की। दूसरी तरफ पेशावर के गवर्नर यार मोहम्मद ने भी सैयद अहमद का साथ देने का फैसला किया और इस तरह मुजाहिदीन की तादाद 80,000 से भी ज्यादा हो गई। इस जहादी मूवमेंट को शुरुआत में ही बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। दूसरी तरफ रंजीत सिंह ने गवर्नर पेशावर यार मोहम्मद पर दबाव डाला और अपने साथ मिलने का कहा जिसकी वजह से यार मोहम्मद ने सैयद अहमद को जहर देकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया लेकिन वो नाकाम रहा और बिलाखिर वहां से निकलकर रंजीत सिंह के साथ जा मिला और सैयद अहमद के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। इस वाके के कुछ ही अरसा बाद एक खूंखार लड़ाई में यार मोहम्मद को मौत के घाट उतार दिया गया। यार मोहम्मद की बगावत के बायस पेशावर के कुछ और बड़े कबाइल भी सैयद अहमद के खिलाफ खड़े हो गए जिसके नतीजा में पेशावर में 200 से जायद मुजाहिदीन को शहीद कर दिया गया और सैयद अहमद को कश्मीर की तरफ हिजरत करना पड़ी।
पिशावर पर कंट्रोल हासिल करने के बाद रंजीत सिंह ने यार मोहम्मद खान के छोटे भाई सुल्तान मोहम्मद खान को पिशावर का गवर्नर बनाया। कुछ अर्सा बाद सैयद अहमद मुजाहिदीन के हमरा हजारा वैली पहुंचे और एक बड़ी सिख आर्मी पर हमला किया, जो कि हरि सिंह और जनरल एलार्ड के जेर निगरानी थी, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा ना निकल सका। वक्त गुजरने के बाद सैयद अहमद ने फिर से पिशावर पर हमला किया और एक बड़ी कामयाबी हासिल की। सुल्तान मोहम्मद खान को अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में माफ कर दिया गया। 1831 में पिशावर पर कब्जा करने के 2 माह बाद सैयद अहमद ने पिशावर को सुल्तान मोहम्मद खान के हाथों में वापस दे दिया और इसके बदले जहाद मूवमेंट के लिए एक बड़ी रकम हासिल की और बालाकोट की तरफ हिजरत कर दी और राजौरी के मुकाम पर अपना हेडक्वार्टर कायम किया। वक्त गुजरने के बाद बालाकोट के मुकाम पर सिख आर्मी ने जनरल शेर सिंह की निगरानी में मुजाहिदीन पर एक बड़ा हमला किया। कई दिनों तक ये खूंखार लड़ाई का सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर मुजाहिदीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 6 मई 1831 को सैयद अहमद ने 44 साल की उम्र में जाम शहादत नोश की और बिलाखिर अपने हालिक हकीकी से जा मिले। जिंदगी के आखिरी औकात में लोगों ने सैयद अहमद शहीद को अमीरुल मोमिनीन के लक से नवाजा।